भाई कैमरा लगा था यार, कसम से यार, वो तो इसमें कैमरा लगा था दोस्तों, मैं डर के मारे तुम वीडियो नीचे कर लिया समझ लीजिए। तो सुधानी बोला कैमरा लगा है, तो यार क्या बताएं यार, बड़ा बुरा फंसे यार। देखो होता क्या है, जिससे डर था वही हुआ हमारे साथ यार। हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, देख सकते हैं पीछे का नज़ारा, पूरा ये जाली जाली दिख रही होगी आप, गेस कीजिए मैं कहाँ आ चुका हूँ। ये मैं बहुत काफ़ी दूर आ चुका हूँ सऊदी के साथ, सऊदी साइड। तो जो दिख रहा है दोस्तों उधर हो गया, दिख रहा होगा एक गाड़ी खड़ी सुफेद, मगर आपको दिखेगा नहीं, जूम करेंगे तभी नहीं दिखेगा। तो दोस्तों वहाँ सऊदी गया थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो मैं मुझको यहाँ उतार दिया है। तो उतार क्यों दिया, उसका दोस्त था कल, वही बात बताएंगे आपको दोस्त के, अपने दोस्त के बारे में यानी इसके बारे में, क्योंकि कल हमें बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई, मेरा दोस्त भी बिगड़ गया ना अनीस, क्योंकि कल थी उनके मतलब कि कल वो मतलब कि अपने दोस्त के यहाँ से तो मतलब गोश्त लाए थे वो हमारा सऊदी, यानी मतलब कि वो बनाए थे घर में यहीं मतलब कि हमारे इस तराहे पर वो बनाए थे अपना गोश्त वोश्त, यानी मतलब बकरे का गोश्त लाया था, तो बनाया था। तो बोला कि तुम यार दोस्त को बुला लो, मेरा सऊदी मेरा यानी मेरा मेरा कफिल का भाई, तो बोला कि तुम अपने यार दोस्त बुला लो। तो दोस्तों मैं दो लोग को बुलाया, तो दो लोग को बुलाया दोस्तों। खाने में क्या है कि खाने में काफ़ी अच्छा खाना नहीं बना था, कि बहुत अच्छा खाना बना था, तो आपको सारी बातें डिटेल बताएंगे दोस्तों क्या हुआ था हमारे दोस्त अनिस साथ में। तो कहना चाहिए दोस्तों, अगर आप बुलाते हो खाना, खाना खिलाने की क्षमता है दोस्तों के अंदर, तो आप बुलाइए, अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो मत बुलाइए। तो हुआ क्या दोस्तों साथ में, तो मैं बाहर आ चुका हूँ दोस्तों भी, क्योंकि बाहर हूँ ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट की रहूँगा, हो सकता है सुधानी के पास जाऊँगा चलते चलते पैदल, क्योंकि वो गया है, काफ़ी समय लगेगा उसको, काफ़ी टाइम लगेगा, करीब हमारा आंकड़ा है आधे घंटे लग सकता है, आधे घंटे मैं जाऊँगा उसके यहाँ, चाय भी पी के चला आऊँगा हो सके। तो वीडियो बनेगा लास्ट तक दोस्तों, कुछ वीडियो में आज ऐसी जानकारी देंगे दोस्तों दोस्तों के बारे में, क्योंकि दोस्तों को ऐसा नहीं जलील करना चाहिए बुला के। तो मेरे दोस्त है वो, बहुत मैं बहुत कष्ट हुआ दोस्त के साथ में, ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि कल मेरे दोस्त साथ में हुआ। तो मैं खुद में उसने दोस्तों, क्योंकि मैं बुला के फंस गया उसको दोस्तों। तो बस वीडियो बने रहेगा, हम आपको बताते हैं पूरी बातें कैसे क्या हुआ रात को, तो काफ़ी लफड़ा हुआ था, तो आप लोग डिटेल में सुनेंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे। तो बस वीडियो बने रही लास्ट तक, थोड़ा सा जाएंगे उधर होके आएंगे तो आपको पूरा वीडियो आपको बताएंगे। तो चलते चलते दोस्तों, ये जो सुदानी पहले यहाँ बकरी चोरी थे, बंगाली भाई थे, एक सुदानी थे, बहरहाल तो सुदानी ने उसको भगा दिया, क्योंकि बकरी मतलब सियार खा जाने की वजह से पैसा भी काटा उसका, और क्या कहते भगा भी दिया सऊदी। तो बोला कि हम कहना चाहिए, तो ये दूसरा सुदानी आया है, हमसे इससे कम बैठता है, तो मैं बैठा देख सकते हैं। ये दोस्तों ये बकरी का काम जो है ना, मतलब बहुत गंदा काम होता है, इसमें आप दिन भर लगे रहोगे, कहीं बच्चा दे रही हैं, कहीं उनको नहलाना, कहीं धुलाना। बकरी के काम में दोस्तों क्या होता है, क्योंकि इसका सऊदी भी देखता है ना, मैं ये वीडियो बनाता है तो मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि वो नाराज़ हो जाता है हमसे। एक बार मैं बनाया था तो थोड़ा नाराज़ हो गया था हमारे ऊपर, तो मैं आपको दिखाऊँगा बकरी यहाँ पर कैसी होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बकरी है खड़ी, ये है रखी, देख सकते हैं ये बकरी काम में आना बहुत मुश्किल है दोस्तों। देखो सुदानी सिर्फ बैठा बस, और कोई नहीं यहाँ, ये जंगल पूरा जंगल एरिया देख सकते हैं, ये पूरा जंगल एरिया है, यहाँ से वहाँ तक पूरा जंगल एरिया है, यहाँ कोई है नहीं। तो मैं सोचा कि जाते जाते काली वाले सुदानी जो मेरा दोस्त है, मैं उसके पास जाता तो रास्ते में ये भी पड़ता है, तो ये अभी तो खाना वाना बना रहा होगा, अब नाश्ता वास्ता कर रहा होगा, तो मैं यहाँ से खड़ा होकर बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि ये टमाटर डाला है खाने के लिए। तो बहुत ही है दोस्तों, ये बताया आपको बकरी के काम में दोस्तों इतना कचड़ा वाला काम होता है, क्योंकि मैं किया हूँ तो आपको बताता हूँ। क्या सुदानी सलाम अलैकुम, क्या फाल है कैश। तो यानी कि अंदर है बैठा, तो मैं वीडियो उसका नहीं बना सकता, वो बोलता कि नहीं बनाना, खलास फुतूर जहाज लवागी, यानी कि मैं उससे पूछ रहा हूँ नाश्ता के लिए।
नाश्ते के लिए, उसमें ये काफ़ी उसकी बकरियाँ, अच्छा अच्छा काफ़ी बकरी, एक बकरी इसको बहुत महंगा बिकता है, ये जो भेड़ नहीं, भेड़ बहुत महंगा बिकता है, 2500, 2600, 2700 का भेड़ है। तो दोस्तों बस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, के फाल कोई सलाम वालेकुम, के फाल कोई आना सऊर फी दियो हादा के खाना के कुल्लू सो है मैं मुश्किल आई दी मैं भी आ दी सके। तो नंबर दे दिए भाई का, थोड़ा सा लिए इनको घास वास चाहिए था, तो मैंने ठीक है दे देंगे, तो मैं जा रहा हूँ साइड में थोड़ा सा, तो बहरहाल इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इनका सऊदी आता जाता रहता है इसमें, आना वाला है ना इनका सऊदी जी आना खाओ फाला तुलेश आना सऊर फी दियो के शवी ये शवी बड़े मुश्किल है यार भाई, उसमें तो कैमरा लगाता है यार, वो कहता हूँ सी यार वो तो इसमें कैमरा लगा था दोस्तों, मैं डर के मारे तुमने वीडियो नीचे कर लिया समझ लीजिए, तो सुधानी बोला कैमरा लगा है, तो यार क्या बताएं यार, बड़ा बुरा फंसे यार, देखो होता क्या है, जिससे डर था वही हुआ हमारे साथ यार, कैमरा लग गया यार। तो हो सकता है मेरी वीडियो आ जाएगी, वो देखेगा ये कौन वीडियो बना रहा, कैसा वीडियो बना, दिक्कत हो सकती है, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलेंगे वीडियो बनाते थे ऐसे डाल दिए और क्या, तो वो दोस्तों बहुत घबराहट हो रही है, हमको पता नहीं देखा नहीं दोस्तों, बताओ जंगल भी ऐसी लग गया भाई कैमरा, चलो देखते हैं होता क्या है, तो देखेगा जरूर कौन आया कौन है, पूछेगा ज़रूर, तो मुझको जानता है वो, हमसे उसे बीजा वीजा बोला था कहने के लिए, तो मैं बोला था हाँ, तो कुछ नहीं बोला, तो देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा क्या क्या करेगा कैसे, तो मैं जवाब दूँगा मैं वीडियो डालता हूँ, अपने वीडियो दिखाता हूँ, मैं गलत कुछ नहीं बोला हूँ वीडियो में, ऐसी बात नहीं कि मैं ऐसा हो सके कुछ किसी किसी ने बोला, क्योंकि बोलता हूँ कि यहाँ जो बकरी चोरी चली गई थी वही बताया था बस, तो यही मैं बताया हूँ, बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, तो देखेंगे हो सकता है कुछ भी हो सकता है, दिक्कत ये बात नहीं, तो चलते हैं सुधानी भाई पास, तो क्या कर रहा क्या नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं गया था काली और सुधानी भाई के पास, मिल के चला आया, बोला था नाश्ता कर लो, मैं नाश्ता नहीं करा क्योंकि हमें जल्दी है कि सऊदी, वो मैं देखा तो सऊदी चला गया रूम पे, तो मिस कॉल मतलब कि मैं मिस कॉल मारा तो लगाया फ़ोन, तो बोला कि कहाँ हो, तो बोला मैं चलाया है इस तरह पे, तो दोस्तों मैं पैदल जा रहा हूँ, थोड़ा सा संभाल लूँगा अनीस के भाई के पास, सीधा फिर रूम पे जाएंगे, तो आपको वो बातें शेयर करेंगे जो हमारे अनीस भाई के साथ में हुआ है, जो कल आए थे तो मैं उनको बर्तन दिया था, तो वही लेके जाना है हमें, यानी कि मतलब कि यहाँ गिदड़ बोलते हैं अपने यहाँ, हॉट पॉट बोलते हैं, वो मैं ले लूँगा, मतलब कि मैं खाना उनको बना के खिलाया था कल अनीस को, वहाँ खाना नहीं मिला, तो दोस्तों आप लोग वीडियो बनाएंगे लास्ट तक, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, यानी कि बातें मतलब बातें भी बताऊंगा आपको कैसे क्या हुआ रात को, तो रात को हम लोग करीब सोए आज 1:30 बजे, तो 1:30 बजे गए, सोहेल थे और अनीस भाई थे और मैं था, तीन लोग बस, तो बस चलता हूँ अभी, तो देख सकते हैं उधर जाना पड़ेगा, काफ़ी बहुत दूर है, देख सकते हैं काफ़ी बहुत दूर है, इधर जंगल जंगल पूरा दोस्तों, देख सकते हैं पूरा जंगल एरिया है, पूरा जंगल है, तो मैं अकेले हूँ, यहाँ थोड़ा डर लगता है क्योंकि यहाँ मोबाइल सोबाइल ज़्यादा छीनते हैं, पैसा भी ज़्यादा छीनते हैं, हालांकि मैं पैसा नहीं लिया हूँ, बस मोबाइल ही लिया हूँ, मोबाइल से बस थोड़ा सा दिक्कत होती है मोबाइल, क्योंकि मैं हमारा चैनल है इसमें, अगर छीन लगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, तो बस वीडियो बने रहते, चलते हैं रूम पे, पहले जाएंगे अनीस भाई के पास में, संभाल लेंगे उसके बाद तो रूम पे जाएंगे, तो वीडियो बनेंगे दोस्तों। नाश्ता वास्ता कर लिया हूँ, देख सकते हैं पेट भी भर चुका है, तो मैं दोस्तों निकालूंगा या मुर्गी, सऊदी बोलता है कि बाहर निकाल के ऐसे छोड़ देना चाहिए, तो मैं भी छोड़ूंगा, तो दोस्तों मैं दिखाता रहूँगा, बात करता रहूँगा आपको, यहाँ के समझ मतलब कि दोस्त के बारे में बताता रहूँगा आपका, कैसा क्या हुआ सब आपको जानकारी देंगे दोस्तों, कि अभी थोड़ा मुर्गी निकालेंगे, आपको दिखाता है कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मैं मुर्गी निकाल रहा हूँ अभी, आप लोग बने रहिए, दिखाते हैं आपको कैसे निकालते हैं, तो मैं मुर्गी खोल रहा हूँ, मुर्गी देख सकते हैं निकल चुकी है मुर्गियाँ सब, मैं भी चारा इनको लूंगा, तो मैं इसको यहाँ लगा दूंगा ताकि मुर्गी जाए ना अंदर, लगाने की तरकीब है,
अभी मुर्गियाँ निकल चुकी हैं दोस्तों, देख रहे हैं मुर्गियाँ निकल रही बड़ी बड़ी, मतलब थोड़ा कमेंट कीजिएगा। तो मैं मुर्गियाँ निकाल दिया हूँ, अभी चारा डालने में देख सकते हैं ये 5 मुर्गियाँ चली गई। तो आपको कैसा लग रहा है थोड़ा बताइएगा, मुर्गी हमारी है ये, जाके झाँक रहे, देखो वीडियो बनवा रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये हमें, देखो पास में जाके देख रही हैं मुर्गियाँ, हाँ देखो कितना प्यार से देख के बजा रही हैं, देख रही हैं वीडियो में। तो और थोड़ा सा कमेंट कर बताइए ये मुर्गियाँ हमारी क्या कर रही हैं। तो बहरहाल मुर्गियाँ काफ़ी अच्छी हैं, आज एक भी नहीं मरी हुई हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है ये हमें देखकर। ये मुर्गियाँ, दो मुर्गियाँ उधर बैठी हुई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं ये मुर्गियाँ, जहाँ जहाँ वह देख रही हैं, देखो देख रही हैं मुर्गियाँ उधर, देखो देख ध्यान से देख रही हैं मुर्गी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जा रही उधर देख रही, जा रही देख रही हैं, पूरा निकल के आ गई बाहर, एक एक मुर्गियाँ जाके झाँक रही, देखो देखो पास जाके झाँक रही, देखो देखो जाएगी हर एक मुर्गी जाएगी, आप देखते रहना, देखो 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 जा रही है यार, देखो एक मुर्गी देख के झाँक के, देखो झाँक रही, देखो 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 मैं मुर्गियाँ खड़ा हूँ देख रहा हूँ, मुर्गी जितनी जा रही देख रही, देखो कैसे देख के चली आ रही, देखो एक ऐब जाएगी, देखो एक दफे जा रही, देखो देख रही, देखो 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 कैसे जा रही, देखो देख रही देख रही, देखो कैसे देख रही, देखो एक ही जो दाई सर में, हमें बहुत अच्छा लगा ये मुर्गी देखकर, कसम से एकदम जी खुश हो जाता है यार मुर्गियाँ देखकर, पाला तो है सही मुर्गी, तो देखो कितने ये खुशी के मारे नाच रही, देख कितना खुशी है यार, कसम से यार बहुत खुशी है यहाँ की मुर्गियाँ। तो देखो मैं भी चारा दूंगा, तो आप लोग देखिएगा कितनी मुर्गियाँ, मैं ये चारा रखा है, चारा निकालूंगा, मैं चारा दे रहा हूँ, अभी ये खाएंगे, कबूतर भी आ गए हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक ये छिटा दूंगा ताकि ये बिन के खाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा मुर्गियाँ कैसे गई थी, फोटो खिंचवा रही थी, वीडियो बनवा रही थी, ये सब इधर पास में है, मैं इसे खोल देता हूँ आराम से, वो चलती रहती है अपना खाना पीना खाती रहती हैं, अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगा ऐसा क्या है। तो थोड़ा सा वीडियो को, तो दोस्तों देख रहे हैं ना कितनी अच्छी लग रही मुर्गियाँ, कितने प्यार से खा रही हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों मुर्गियाँ खाना, अगर खाना दाना खिलाना। तो दोस्तों हुआ था क्या, कल रात को तो उसका दोस्त खाना मतलब गौशाला था बनाने के लिए यहीं थे, इन्हीं होगी आधी मुर्गी होगी, मतलब कि आधी बकरा होगा, काटले काफ़ी बड़ा बकरा था, तो बोला था कि मेरा काफ़ी बोला कि अपने दोस्तों से बुला ले, यहाँ खाना मैं बनाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि चाल दूध डाल दूँगा। तो दोस्तों सब कुछ खाना बन गया, हर चीज़ सब कुछ हो गया, रेडी हो गया, तो खाना ये लोग खा रहे थे, तो बोला कि अपने दोस्त बुला ले खाना खा ले। तो दोस्तों गलती क्या किया मेरे दोस्त ने, गलती उसकी नहीं थी बहरहाल मेरी थी, तो हमको बोला कि कहवा निकालने के लिए कि मतलब पियाते बैठेगा ना, तो मैं बोला कि यानी चला जाए तो कहवा पिला दे, तो दाहिने हाथ से नहीं ये दाँत से, हाथ से उसको दे रहा था, तो इसी वजह से सऊदी ने ऐसे कंधे पे हाथ से है मार दिया हाथ से, तो वो बिगड़ के चलाया मेरे साथ में, हमको टाइट हो रहा था मेरा दोस्त, यानी इस बोला कि ऐसे यार तुम्हारे यार सऊदी ऐसा कर रहे हैं यार, हम क्या मजाक मारा हो गया यार, मेरा सऊदी ऐसा नहीं है, बोला सऊदी तुम्हारा नहीं तुम उसका दोस्त है, तो मैं गया बात किया यार क्यों ऐसा बात किया तुमने, ऐसा क्यों उसको मारा, कैसे क्या हुआ। तो मैंने फिर अनीस से कुछ बातें, देर तक काफ़ी देर तक बातें होता रहा करता रहा, फिर अनीस बोला यार मैं जा रहा हूँ, तो मतलब बिगड़ गया, देखो यार कुछ नहीं अगर होता है मैं बुलाता हूँ प्यार से, तो अगर कुछ ना कुछ होता है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी जाती है, तो इसी वजह से वो चला गया, चला क्या गया नहीं आया मेरे रूम में बैठ गया था, तो हमने सोचा मैं बोला नहीं था अनीस अनीस आ जा यार आ जा, देखा दोस्त होते हैं उनके दिल में दर्द होता जहाँ होता मान ली, तो आया रूम में बैठा था, तो हम नहीं जाने के रूम में बैठा तो आया, तो मतलब उसी समय मैं आया था यहाँ लेने के लिए केतली रखी है यहाँ दूध वाली चाय, तो मेरे रूम में थी मैं यहाँ गया तो लेके आया तो बैठा था, कस यार हमने कहा कस यार यहाँ क्या बैठे हुए यार, कह रहे गुस्सा लग गया कर दिया, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं रहने दो मैं खाना बना। तो दोस्तों समझ लीजिए मैं उसी दिन मतलब मेरे शरीर में काफ़ी मुर्गी रखे थे, मैं वही टाइम में तुरंत मुर्गी को रखा काटा पीटा तुरंत बना, तो तुरंत दोस्तों खपसा आया तुरंत दोस्त के लिए अपने समय लीजिए। तो दोस्तों बस कहते नहीं हैं दोस्त हो तो सब कुछ है, दोस्त नहीं है तो कुछ नहीं है, तो मुर्गियाँ देखो पास में आ जा रही हैं एकदम, तो वही कहते हैं ना अगर दोस्त हैं तो सब कुछ है दोस्तों, दोस्तों को अच्छी तरह दोस्ती निभाइए ताकि आपको फिर इफेक्ट ना आए।
तो देख ले हमारे सऊदी का दोस्त है, थोड़ा सा उसको बात में ऐसा बोल दिया, बुरा लग गया तो चला आया। कैसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जलील हम हुए हैं, मेरा दोस्त नहीं हुआ है, मैं हुआ हूँ जलील। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कर बताइएगा। ये मुर्गियाँ मैं चुना रहा हूँ अभी, अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। मुर्गियाँ पकड़ लिए, देख सकते ये देखो, ये तुम्हें देखो, ये दिखा रहा हूँ मुर्गियाँ, देख रहे कितना प्यार से देख रहे, देखो ये देख रहे, देखो ये देख रहे, देखो ये देख रहे, देखो देखो देख रही हूँ मुर्गी। तो दोस्तों वीडियो में बताइएगा, बताइए कमेंट कर हमारी मुर्गियाँ कैसी लगी, मुर्गी लगे थोड़ा कमेंट करिएगा आप लोग कैसा लगता है। तो बस मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्ती ऐसा बनाओ दोस्तों कि काम कर जाओ, ताकि आपके ऊपर गलत ना आए ऑब्जेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और जोर साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।